viewers, greetings to all. This is Sakshi Agarwal here in front of you with a new video on any topic, that is REIT EVS part 6. So iska part 1 2 3 4 5 aapko meri video ki playlist mein mil jayega. Aage hum baat kare to hum REIT ki EVS complete kar rahe the aur ye last video rahegi REIT ki EVS ki is book ki jo ki hai aapki Sikhwal book. Maine aapko poster laga rakha hai screen pe, to aap ye dekh sakte hain. आगे बात की जाए तो किस किस चीज़ के लिए वीडियो आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो ईवीएस के लिए कोई भी सेक्शन के लिए आप इसको देख सकते हैं. ईवीएस के लिए आपके एग्ज़ाम हो गए रीट डी ट्रिपल एस बी के वी एस एन वी एस टेट. हालांकि ये रीट एग्ज़ाम के लिए है पर फिर भी इसमें ईवीएस के ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि और टेट एग्ज़ाम में भी आपके लिए यूज़फुल रहेंगे. आप अपने हिसाब से जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसके पिक्स ले सकते हैं या फिर कहीं भी राइट डाउन कर सकते हैं, व्हाटएवर यू थिंक फिट विद यू. सो विद दिस जनरल इन्फो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और ला क्लासेस बिगिन. सबसे पहले अब क्या है इस बुक में, यानी कि आगे के इसमें पेजेस कवर किए गए हैं और ये लास्ट पार्ट रहेगा आपका, पूरी बुक कवर हो जाएगी इससे. अब जहाँ तक हमने 5 वाले पार्ट में ख़त्म किया था उसके आगे से ही हम चलेंगे. तो आगे उसमें क्या है, इंडिया का स्पेसमैन यानी कि अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में थोड़ी बहुत बात बताई गई है. तो यहाँ पर लिया गया है उस सेक्शन के थ्रू, इंडिया स्पेसमैन फर्स्ट इंडियन मैन इन स्पेस, जिनका नाम क्या था, राकेश शर्मा था. और फर्स्ट मैनमेड सैटेलाइट किसने बनाई थी, तो रशिया ने बनाई थी स्पेस की. अगर वही बात की जाए कि पहला आदमी कौन था स्पेस में, तो वो यूएसए से था. फर्स्ट डाइवर इन स्पेस कौन था, तो वो भी रशिया का था, एलेक्सी लियोनोव. आगे अगर बात की जाए तो सुनीता विलियम्स की बात करते हैं. इन 6 अप्रैल शी वॉज द फर्स्ट लेडी टू रन इन बोस्टन मैराथन इन स्पेस. पद्म भूषण इन्हें कब मिला था, 2008 के अंदर मिला था. भारतीय मूल की कहा जाए तो कल्पना चावला पहली थी, पर सुनीता विलियम्स का नाम याद रखना इसलिए इम्पॉर्टेंट बनता है कि पहली लेडी थी जिन्होंने बोस्टन मैराथन किया था स्पेस के अंदर, और दूसरा ने पद्म भूषण मिला था 2008 के अंदर. आगे बात करते हैं कल्पना चावला, जिसमें मैंने आपको अभी बताया कि भारतीय मूल की पहली महिला कहलाती है जो कि स्पेस के अंदर गई. हालाँकि 2003 में इनकी डेथ हो गई जब स्पेसशिप नीचे उतर रहा था. आगे बात की जाए तो भारतीय मूल के करनाल से, करनाल में इनका बर्थ हुआ था. फर्स्ट इंडियन लेडी है जो कि स्पेस में गई थी. 1 फरवरी 2003 को इनका लास्ट डे था, जिसमें 6 क्रू मेंबर्स के साथ कोलंबिया स्पेस ट्रेजेडी में इनकी डेथ हो गई थी. तो ये डेट अपन को याद रखना इंपॉर्टेंट बन जाता है. आगे बात की जाए तो राकेश शर्मा की बात करते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया भी, पहला मैन इंडिया से राकेश शर्मा ही था जो कि स्पेस में गया था. इंडिया का फर्स्ट, पर अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो वो 138वें नंबर पे आते थे पूरे विश्व में जो कि स्पेस के अंदर गए थे. कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो पंजाब पटियाला से बिलोंग करते हैं. अब इनके बारे में था कि जब ये स्पेस में गए थे तो इंदिरा गांधी जी उस टाइम अपना प्राइम मिनिस्टर सीट पर थी, तो उन्होंने इससे पूछा था, भाई इनसे पूछा था कि आपको स्पेस में जाके कैसा लगा, मतलब अगर आप स्पेस से इंडिया को देखते हैं तो आपको कैसा लगता है. तब इन्होंने रिस्पॉन्स किया था कि भाई स्पेस में जब मैं बाकी सारे प्लैनेट्स या फिर इंडिया को देखता हूँ, तो इंडिया के लिए उनके क्या वर्ड्स निकले थे कि सारे जहाँ से अच्छा. तो ये कुछ रिस्पांस दिया था उन्होंने. तो ये लाइन अपन को याद रखनी है कि अगर ऐसा कुछ आए कि इंदिरा गांधी जी की जब सीट थी उस टाइम पर सारे जहाँ से अच्छा किस स्पेसमैन ने कहा था, तो राकेश शर्मा ने कहा था. अशोक चक्र से इनको अवार्डेड किया गया था. आगे बात करते हैं थोड़ी बहुत नील आर्मस्ट्रांग की. नील आर्मस्ट्रांग इनको मुख्यतः अपोलो अभियान के खगोल शास्त्री के रूप में, चंद्रमा पर कदम रखने वाले व्यक्तियों के रूप में जाना जाता है. इनका जन्म 5 अगस्त 1930 को वेब कानेटा ओहिया या फिर अमेरिका में हुआ था. इन्हें प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम, कांग्रेसनल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था. तो यानी कि किस, अगर बोला जाए कि किस उससे जुड़े हुए थे, तो अपोलो अभियान से जुड़े हुए थे और चंद्रमा पर कदम रखने वाले भी ये व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति. आगे अगर बात की जाए तो इसरो की बात करते हैं. इसरो क्या है, आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके आपके कब बनी थी, तो इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेस स्पेशलिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई इन 1962 इंडियन नेशनल स्पेस रिसर्च सेंटर फॉर्म. 15 अगस्त 1969 इसरो फॉर्म्ड विद दिस, यानी कि पहले क्या था भाई, इसका जो नाम रखा गया था वो क्या था, इंडियन नेशनल स्पेस रिसर्च सेंटर. बाद में इसका नाम चेंज करके इसरो कर दिया गया था. और इसका नाम चेंज कब किया गया था, तो 15 अगस्त 1969 में इसका नाम चेंज किया गया था, यानी कि 15 अगस्त 1969 को. और ये बना किसके
प्रेजेंस में था तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रेजेंस से बना था। डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम से भी इसका एक है तिरुवनंतपुरम में, यानी कि आपका तमिलनाडु वगैरह साइड पड़ जाता है ये। यानी कि इसरो के अंदर ये नहीं कि सिर्फ एक ही है आपका, बहुत सारे हैं तो उनके सबके अलग अलग नाम है। अगर वहीं बात करें डॉक्टर विक्रम साराभाई सेंटर की तो वो आपका तिरुवनंतपुरम में पड़ जाता है। आगे बात करते हैं आर्यभट्ट स्वदेशी निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह, जो कि 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया, जिसका इंटरकॉस्मॉस प्रक्षेपण यान द्वारा कपुस्तिन यात अंतरिक्ष केंद्र में सोवियत संघ की मदद से प्रक्षेपण हुआ। तो आर्यभट्ट क्या है भैया, अपन नाम याद रखेंगे कि पहली बार या फिर पहला स्वदेशी ऐसा है उपग्रह जिसको छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 में। वहीं अगर रोहिणी की बात की जाए तो ये भी एक अपना स्पेसशिप था, 10 अगस्त 1979 को छोड़ा गया श्रीहरिकोटा से। आगे बात करते हैं आपके एप्पल की, इसकी फुल फॉर्म अपन याद कर सकते हैं अरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। इसका प्रक्षेपण कब किया गया, तो 19 जून 1981 के अंदर किया गया, जब कोरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण कोन केंद्र फ्रेंच गुयाना से यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 4 रॉकेट से हुआ। यह भारत का प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह था, ये याद रखना भाई। पहला जो स्वदेशी निर्मित था वो आपका कौन सा था, आर्यभट्ट। और वहीं अगर बात की जाए कि प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह कौन सा था, तो वो था एप्पल। एप्पल से प्राप्त संचार संबंधी तकनीकी के कारण इनसेट का विकास हुआ। ये भी अपन याद रखेंगे कि एप्पल की मदद से और कुछ क्या इन्वेंट किया गया, तो इनसेट इन्वेंट किया गया। आगे अगर बात की जाए इनसेट की, तो यह बहुउद्देश्य प्रणाली है जो अंतरिक्ष विभाग, दूर संचार विभाग, भारतीय मौसम विभाग, दूरदर्शन का संयुक्त उद्यम है। एजुसेट की बात की जाए या फिर एजुकेशन सैटेलाइट, तो इस स्वदेशी निर्मित शैक्षणिक उपग्रह का उपयोग दूरस्थ शिक्षा में किया जा रहा है, या फिर आपका बोल सकते हैं डिस्टेंस एजुकेशन में इसका यूज़ किया जा रहा है। तथा 2004 में प्रक्षेपित एजुसेट विश्व का पहला शैक्षणिक उपग्रह था, यानी कि 2004 तक ये पहला था। आगे अगर बात की जाए तो इसरो द्वारा 20 सितंबर 2004 को भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान की मदद से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एजुसेट का प्रक्षेपण कर इसे GTO में स्थापित किया गया। यह विश्व का पूर्णतः शैक्षिक उपग्रह है जिसकी अवधि 7 वर्ष की है, यानी कि एजुसेट को GTO में स्थापित किया गया है। और अगर बात की जाए तो पहला ऐसा उपग्रह है जो कि पूरी तरीके से शिक्षा पे है, बाकी 7 वर्ष इसकी अवधि है। और हमारा एग्ज़ाम भी शिक्षा से ही रिलेट करता है, एजुकेशन से ही रिलेट करता है, तो अपने लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। और इसको छोड़ा कहाँ गया, कहाँ से गया था, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। कहाँ पड़ता है, तो श्रीहरिकोटा में पड़ता है। भारत का मंगल मिशन, जैसे कि मॉम के नाम से ही संबोधित किया गया, या फिर मार्स ऑर्बिटर मिशन से कह सकते हैं, ये 5 नवंबर 2013 को रिलीज़ किया गया था। PSLV-C25 की सहायता से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा में है, से मंगलयान का प्रक्षेपण हुआ। यह यान 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा था। इसका उद्देश्य मंगल पर जीवन की संभावना तलाशना है। याद रखेंगे मॉम मिशन 2013 से बिलोंग करता है, और ये क्या है, एक मार्स ऑर्बिटर मिशन है, यानी कि मार्स पे जीवन की संभावना देखने के लिए इसको छोड़ा गया था। कहाँ से छोड़ा गया था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। कहाँ पे पड़ता है, तो श्रीहरिकोटा के अंदर पड़ता है। आगे अगर बात की जाए आदित्य की, तो सूर्य के कोरोना के अध्ययन के लिए निर्मित किया गया था। सूर्य का कोरोना क्या होता है, सूरज की जो गर्मी वाला पोर्शन होता है उसको कोरोना कहा जाता है, तो उसके अध्ययन के लिए इसको रिलीज़ किया गया था। तो अपन को याद रखना आदित्य किससे बिलोंग करता है, तो सूर्य के कोरोना से बिलोंग करता है। वहीं अगर बात की जाए मॉम किससे बिलोंग करता है, तो मार्स ऑर्बिटर मिशन से बिलोंग करता है, 2013 से बिलोंग करता है। आगे अगर बात करें तो इस अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से हैं, तो आपके बहुत सारे थे, पर मैंने 3 इंपॉर्टेंट लिए जो कि स्टार्टिंग के 3 बन रहे थे और यही इंपॉर्टेंट है, इनसे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। फर्स्ट आपका है इसरो, जो कि है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। वहीं बात की जाए VSSC की, जो कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, जो कि तिरुवनंतपुरम, मैंने आपको बताया था, केरल के निकट थुम्बा में स्थित है। अगर बात की जाए SHAR की, तो श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज, इससे अब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र या फिर STSC के नाम से जाना जाता है, इसका केंद्र कहाँ है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। आगे बात की जाए तो ब्रह्मोस मिसाइल का विकास रूस की NPO मशीनोस्ट्रोपियो तथा भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, जो कि रूस की P-800 ओंकिस क्रूज मिसाइल प्रौद्योगिकी पर आधारित है। यानी कि इसका निर्माण किसने किया है, तो इंडिया और रूस ने मिलकर किया है, ये बात हम इसको इसकी याद रखनी है। तो ब्रह्मोस में ना इन लोगों ने क्या किया था कि
ब्रह्मपुत्र का ब्रह्मा ले लिया था और रूस का ओस या फिर जो भी ले लिया हो, तो उस हिसाब से ब्रह्मपुत्र और रूस का मिला के इन लोगों ने क्या किया है, ये नाम बनाया था। रूस में भी एक नदी बहती है, वहाँ का नाम लिया था, तो इसलिए इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया था। इंडिया और रूस की ये लोग क्या है, मिलीजुली है ये ब्रह्मोस मिसाइल। आगे अगर बात की जाए तो इंडिया का किस क्या है इसके अंदर, तो DRDO है और रूस का भी अपना है NPO मिशन रुपया, तो ये बात याद रखनी है बस। आगे अदर इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो तेजस क्या है, भारत का पहला लाइट वेट फाइटिंग प्लेन है जो कि धरती से धरती तक का ही है, यानी कि धरती से धरती पे इसको रिलीज़ किया जा सकता है। माइक्रोवेव बॉम्ब किसने क्रिएट किया था, तो अमेरिका ने क्रिएट किया था, ये बात अपन को याद रखनी है। आगे बात करें तो 1950 के दशक में मॉरिस हर्जोग व लुइस लिचेनल ने अन्नपूर्णा चोटी पर आरोहण किया, यानी कि अब माउंटेनियर्स की बात स्टार्ट हो गई है कि भाई माउंटेनियर्स कौन कौन से रहे। तो सबसे पहले अन्नपूर्णा चोटी पर अगर बात की जाए तो मॉरिस और लुइस ये दो जने थे जिन्होंने अन्नपूर्णा चोटी पर अपनी चढ़ाई कंप्लीट की थी। वहीं अगर बात की जाए कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किसने चढ़ाई की, तो एडमंड हिलेरी ने और तेंजिंग नारगे ने। विश्व की दूसरी सबसे ऊँची चोटी K2 जिसकी ऊँचाई कितनी है, 8611 मीटर। वहीं अगर बात की जाए ना हिमालय की आपकी, तो उसकी 8848 मीटर है। और अगर मरियाना ट्रेंच की बात करें जो कि पैसिफिक ओशन में है आपका, तो उसकी 11,000 कुछ हो जाती है। तो पर वो क्या है, मरियाना ट्रेंच वो आपका अंदर है, थोड़ा सी के अंडर है, इसलिए उसको माना नहीं जाता, वरना सबसे बड़ा वही बनता है, तो इसलिए हिमालय को लिया जाता है, उसकी 8848 है। उसके बाद K2 अपना पड़ता है 8611 मीटर का। पहली बार 1954 में लिनो लेसरेली व आचिल कॉम्पानोनी द्वारा विजय पाई गई, ये अपन याद रखेंगे। K2 पर सबसे पहले कौन चढ़ा था, तो लिनो चढ़ी थी, लिनो और आचिल, ये बात याद रखने की है इसके अंदर। वहीं बात की जाए कि माउंटेनियर्स क्या लेकर जाते हैं अपने साथ, ये वाला क्वेश्चन से बहुत पूछा गया है कि इनमें से फॉलोइंग आर द थिंग्स विच अ माउंटेनियर कैन ब्रिंग विद हिम ऑन हिज ट्रिप, तो फिर ऐसा कुछ था चार ऑप्शन, फिर उसमें से लास्ट वाला नन ऑफ अबव या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ वो लेकर जाते हैं अपने चढ़ाई के समय। तो वो तीन चीज़ें मेन लेके जाते हैं, सबसे पहला ब्लैक स्पेक्टिकुलर यानी कि आपका काला चश्मा, और वो किस लिए ज़रूरी होता है, ताकि सूरज की जो पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो क्या है, सूरज की जो वेव्स हैं, जो उसकी अल्ट्रा वायलेट वेव्स हैं, वो सबसे ज़्यादा आपकी आँखों में पड़ती है, तो इसलिए उन्हें काला चश्मा ले जाना होता है ताकि वो अपनी आँखों से उस रेज को बचा सकें। आगे बात की जाए तो ऑक्सीजन सिलेंडर उसको साथ ले जाना होता है, जो कि एक कृत्रिम रूप से बना हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, क्योंकि ऊपर क्या होता है आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है, तो उसको बियर अप करने के लिए एक कृत्रिम रूप से या फिर आर्टिफिशियल रूप से बना हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर उनको अपने साथ कैरी करना होता है। और शार्प नेल शूज़ उन्हें अपने साथ रखने होते हैं ताकि वो लोग फिस लेना, तो यानी कि तीन चीज़ उनको रखनी होती है, ब्लैक चश्मा और आपका ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, और आपके ऐसे शूज़ हो गए जिसमें नुकीली कीले चुभी हों या फिर नुकीली कीले लगी हों। आगे अगर अल्पाइन माउंटेन है तो उन्हें क्या तीन चीज़ ले जानी होती है, तो उन्हें पहला है हिमशालान बीकन, अगला है प्रोब और तीसरा है बेलचा, ये तीन चीज़ उन्हें ले जानी होती है। इनके नाम अच्छे थे, मतलब नाम से ऐसे टिक लगाने बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि सच में क्या लेके जाना होता होगा, तो इसलिए तीन नाम है, हिमशकलान बीकन और प्रोब और बेलचा, हिमस्खलन बीकन, ये इनके बारे में यहाँ पे बताया हुआ, हिमस्खलन बीकन क्या है, प्रोब क्या है, बेलचा क्या है। अल्पाइन रास्तों पर सफ़र करते समय दलों को हमेशा तीन वस्तुओं को अपने साथ ले जाने की सलाह दी जाती है। पहला है हिमस्खलन बीकन, जो कि यह एक आपातकालीन उपकरण है जो रेडियो ट्रांसीवर पर आधारित और 457 kHz पर कार्य करता है, तो वही यह बर्फ़ में फंसे हुए व्यक्तियों का पता लगाने में काम आता है, यानी कि एक बेसिकली क्या है, ट्रांसीवर है, बात करने का है। अगली बात की जाए तो प्रोब है, ये क्या होता है कि सटीक वो जगह पता लगा सकता है जहाँ पे कोई इनका माउंटेनियर सदस्य या फिर माउंटेनियर मेंबर अगर बर्फ़ में फंसा हुआ हो, तो वहीं इसका प्रयोग बर्फ़ की गहराई मापने के लिए भी किया जाता है। प्रोब का और यूज़ क्या है कि बर्फ़ की कितनी गहराई है, कितनी डीपनेस है, उसको मापने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं बेलचा की बात की जाए तो यह बर्फ़ में गड्ढा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो बेलचा गड्ढा करने के लिए, प्रोब सटीक पता लगाने के लिए कहाँ पे उनका मेंबर बर्फ में धंसा हो या फिर बर्फ़ की गहराई कितनी है ये पता लगाने के लिए, और हिमस्खलन बीकन किस लिए ले जाया जाता है, ट्रांसीवर के लिए, ताकि हम कॉन्टैक्ट कर सके अपने मेंबर्स से। आगे बात की जाए तो ऐसी और कौन सी चीज़ है जो कि एक माउंटेनियर अपने साथ ब्रिंग करता है, सबसे पहले ग्लव्स ब्रिंग करता है ताकि वो
उसके हाथ ना फिसले चढ़ाई करते हुए। दूसरा, वो एक स्लीपिंग बैग या फिर टेंट अपने साथ लेके जाता है ताकि वो रात को उसके अंदर सो सके। विंड शीटर लेके जाता है तेज़ हवाओं से बचने के लिए। फर्स्ट एड बॉक्स रखता है, रॉप और हुक रखता है, रस्सी और हुक। क्रैम्पेन रखता है, क्रैम्पेन क्या होता है, जो कि शू के अंदर अटैच होता है, ऐसा कुछ जो कि बर्फ पे आपको इजीली चलने में हेल्प करे। लिखा हुआ अटैच इन शू टू वॉक इजीली इन आइस। आगे बात करते हैं, पर्वतारोही अपने साथ की बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुएं और अन्य सामान एवरेस्ट पर ही छोड़ आते हैं, जिससे एवरेस्ट पर कचरा बढ़ रहा है और वहाँ के पर्यावरण को हानि पहुँच रही है। यानी कि बेसिकली एक वेस्टफुल मैनेजमेंट से है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी अगर हिल स्टेशन या फिर ऐसी कहीं भी जगह जाता है जहाँ पे प्रकृति अभी तक सुरक्षित है, वहाँ सुरक्षित ही उन्हें रहने देना चाहिए और कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। अगला, पर्वतारोहण के दौरान प्रयुक्त तकनीकें, यानी कि क्या क्या प्रयुक्त करते हैं वो लोग तकनीकों के नाम पर। तो क्रैम्पन या फिर क्रम्पोन अभी हमने पीछे पढ़ा था, ऐसा कुछ जूते के साथ अटैच होता है माउंटेनियर्स के, जो कि उनको बर्फ़ पर ईजिली चलने के लिए प्रेफरेबल होता है। तो हिम ठोस बर्फ में पर्वतारोहियों द्वारा अधिक कुशल चढ़ाई के लिए पर्वतारोहियों के जूतों में लगा क्रम्पोन या फिर क्रैम्पन नामक उपकरण मदद करता है, जिसमें लगभग 8 से 14 दांते या फिर स्पाइक अतिरिक्त कर्षण प्रदान करते हैं। बछेंद्री पाल की बात करते हैं, अगर माउंटेनियर्स की बात होगी तो बछेंद्री पाल की बात तो ज़रूर होगी। 24 मई 1954 को उत्तराखंड राज्य के नाकुरी गांव में जन्मी बछेंद्री पाल ने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पर्वतारोहण का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने वर्ष 1982 में गंगोत्री पर्वत और रदुगेर पर्वत के आरोहण में भाग लिया। तो वहीं पहाड़ों की रानी नाम से प्रसिद्ध विश्व की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट पर वर्ष 1984 में चढ़ने वाली वे प्रथम भारतीय महिला और विश्व की 5वीं महिला पर्वतारोही बनी। यानी कि सबसे ऊंची चोटी पर उन्होंने चढ़ाई करी थी 1984 के अंदर। 1984 सन अपन को याद रखना है। बछेंद्री पाल ने सर्वप्रथम पर्वतारोहण 400 मीटर 12 वर्ष की आयु में विद्यालय के सहपाठियों के साथ किया था। आगे बात की जाए तो बछेंद्री पाल को वर्ष 1984 में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन द्वारा पर्वतारोहण में उत्कृष्टता हेतु स्वर्ण पदक तथा भारतीय सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से वर्ष 1986 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से वर्ष 1994 में भारत सरकार द्वारा तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से तथा वर्ष 2019 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो वहीं वर्ष 1990 में इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सूचीबद्ध किया गया है। इनके इतने सारे अवार्ड्स और फिर 1990 में इनका नाम क्या है गिनीज वुड ऑफ रिकॉर्ड में भी आया। वर्तमान में बछेंद्री पाल इस्पात कंपनी टाटा स्टील में कार्यरत हैं, जहाँ वे चुने हुए लोगों को रोमांचक अभियानों का प्रशिक्षण देती हैं। प्रेमलता अग्रवाल की बात की जाए तो वर्ष 1963 में जुगतलाई में जन्मी प्रेमलता अग्रवाल के द्वारा पर्वतारोही बछेंद्री पाल का मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन किया गया। 20 मई 2011 को इन्होंने 48 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट शिखर फतह किया। तो वहीं 23 मई की 50 वर्ष की उम्र में उत्तरी अमेरिका के अलास्का के माउंट मैकनले पर फतह हासिल करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इन्होंने 7 कॉन्टिनेंट्स के 7 जितने भी बड़े माउंटेन्स हैं उन पर चढ़ाई की है, इसलिए भी इनका नाम फेमस है। आगे मैंने वो सारे नाम इंक्लूड किए हैं। बाकी मैंने माउंटेनियर्स की एक और वीडियो बनाई है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी माउंटेनियर सबसे यंगेस्ट होकर चढ़ाई करी है और कौन सी माउंटेनियर आपकी सबसे ओल्डर होकर चढ़ाई करी है। ठीक है, प्रेमलता अग्रवाल आपकी ओल्डर में आती है, पर इनको रिसेंटली किसी ने बीट किया है, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं वहाँ जाके। प्रेमलता अग्रवाल दुनिया के 7 महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है, जिन्होंने 23 मई 2011 को माउंट एवरेस्ट, 10 फरवरी 2012 को माउंट एकांकागुआ जो कि दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, 6 जून को इन्होंने क्या किया माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में पड़ता है, 2012 के अंदर माउंट एल्ब्रुश जो कि यूरोप में है, 2013 के अंदर माउंट विंसन जो कि अंटार्कटिका में है, 2013 के अंदर डेनली जो कि उत्तर अमेरिका के अंदर है, और 2013 को पुणकजया पर्वत शिखरों पर फतह की। यानी कि 7 कॉन्टिनेंट्स के 7 सबसे बड़े शिखरों पर इन्होंने अपनी फतह हासिल करी है। आगे बात की जाए तो वर्ष 2013 में प्रेमलता अग्रवाल को टॉप इंडियन वुमन अचीवर्स अवार्ड से, वर्ष 2013 में पद्मश्री अवार्ड से तथा वर्ष 2017 में तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो वहीं इनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी सूचीबद्ध किया गया है। आगे बात की जाए, थोड़ी बहुत एनवायरनमेंट की बात करते हैं। इसमें एक चैप्टर था कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट एंड द रिलेटेड टर्म्स टू द एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट की बात करते हैं, ये क्या है, एक फ्रेंच वर्ड से इसको लिया गया है या फिर इसका बर्थ माना जाए तो फ्रेंच वर्ड से हुआ है इसका बर्थ।
जिसका मतलब क्या है कि हमारे सराउंड की चीज़ें या फिर ऐसी कुछ चीज़ें जो कि हमारे इनक्लोज है, जिन्होंने हमें घेरा हुआ है, इनसर्कल किया हुआ है। फ्रेंच लैंग्वेज से वर्ड लिया गया है और इसका जो मूल वर्ड है वो है एनवायरनर। सो इसका मूल वर्ड है। आगे बात की जाए तो भारत ने सन 1937 से बुनियादी शिक्षा 1937 आपका वर्धा कमीशन के नाम से भी जाना जाता है को प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति का गठन किया गया तथा 1948 में डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में गठित किए गए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने सन 1952 में डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में बने माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इस विषय को प्राथमिक स्तर पर विद्यालय शिक्षा में अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने की सिफारिश की। इसमें ना दो तीन चीज़ मेन बनती है। सबसे पहले तो क्या आपका 1937 मेन पड़ता है जो कि वर्धा कमीशन के नाम से जाना जाता है, फिर 1948 मेन पड़ता है जो कि डॉक्टर राधाकृष्ण के नाम से जाना जाता है। ये तीनों ईयर्स आपके क्या है एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्धा कमीशन की बात की जाए तो गांधी जी का मेन रोल था इसके अंदर, उन्होंने एजुकेशन के लिए बात उठाई थी। 1948 की बात की जाए तो डॉक्टर राधाकृष्ण ने अपनी आवाज़ उठाई थी। 1952 की बात की जाए तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने अपनी आवाज़ उठाई थी। ठीक है, फिर 64-66 की बात की जाए तो आपका कोठारी कमीशन आ गया था। तो ये कुछ ईयर्स मेन रहते हैं जो अपनी एजुकेशन के हिसाब से मेन रहते हैं, टीचिंग एग्जाम्स के हिसाब से मेन रहते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि एजुकेशन के लिए किस किस ने अपनी आवाज़ कब कब उठाई, तो वो चीज़ मेन पड़ती है। तो इसलिए ये तीन सन इम्पॉर्टेंट बनते हैं। 37 का वर्धा हो गया आपका, 48 का डॉक्टर राधा कृष्ण हो गए, और 52 के आपके मुदालियर हो गए, फिर 64-66 के कोठारी हो गए। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं तो पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखने का आशय क्या है कि स्कूल बैग के वज़न का कम होना, यानी कि कोशिश करनी है टीचर को कि स्कूल बैग में कम वज़न ही मंगवाए वो बच्चों से। तो वहीं EVS कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य है सहयोग के मूल्य को लागू करना और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। आगे इसमें बात की गई थी कुछ जनरल टू स्पेसिफिक की। जनरल टू स्पेसिफिक क्या होता है, यानी कि एक बच्चे को सबसे पहले वो सिखाया जाए जो उसे आता है, ताकि हम उसे चेक कर लें कि उसको भी कितना आता है। और दूसरा क्या है, एक बच्चा किसी चीज़ में इंटरेस्ट तब उसे ज़्यादा आता है जब उसे पता हो कि हाँ उसे चीज़ आती है। अगर हम उसे जनरल टू स्पेसिफिक लेके जाएंगे तो बच्चा उसमें थोड़ा इंटरेस्ट जनरेट करता है और बताता है कि हाँ उसको थोड़ा बहुत इससे कंसर्नड है, उसको थोड़ा बहुत इसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत ये चीज़ आती है। हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखा है कि यदि ज्ञान प्रदान में इस क्रम का अनुसरण किया गया तो बालक शब्दों के अतिरिक्त कुछ और नहीं सीख पाएगा और शीघ्र ही उसे विषय से घृणा और अरुचि होने लगेगी। यानी कि अगर हम उसे क्या करेंगे कि स्पेसिफिक से ले जाएंगे, ठीक है, ऐसे कुछ से ले जाएंगे जो उसे नहीं आता हो, तो वो क्या करेगा, उस चीज़ से डरने लगेगा, ये सोचने लगेगा कि हाँ भाई ये चीज़ उसके मैटर की नहीं है और उसे ये चीज़ नहीं आती है। तो इसलिए क्या करना है, एक टीचर को जनरल टू स्पेसिफिक उसको लेके जाना है ताकि उसको लगे कि हाँ वो इस चीज़ से कहीं ना कहीं रिलेट करता है और वो इस चीज़ को समझ सकता है कि पहले से उसे ये चीज़ कुछ मायने तक आती है। आगे बात करते हैं कोहलर की। कोहलर का सूझ या फिर अंतर्दृष्टि सिद्धांत, गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, इन्हें संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि इन सिद्धांतों में संज्ञान अथवा प्रत्यक्षीकरण को विशिष्ट महत्व प्रदान दिया जाता है। इन्हें गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी कि कोहलर ने आपका गेस्टाल्ट का सिद्धांत दिया था, यह बात अपन याद रखेंगे। कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी भी कहा जाता है इनकी थ्योरी को, तो बस यही याद करना है इसमें। तो आगे बात की जाए तो पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों के रूप में नहीं रखा गया है, क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश के समग्र रूप में देखते हैं। यानी कि बेसिकली कहना क्या जा रहा है कि SST को ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री इन सारे पार्ट्स में नहीं बांटा गया है। आपकी जो प्राइमरी क्लासेस है उसमें SST का मतलब एक ही चीज़ होती है, जो कि एनवायरमेंट, यानी कि बच्चे के आसपास की चीज़ें क्या है, उसी से बिलोंग करते हुए उसे EVS या फिर SST पढ़ाई जानी है। अब उसे चाहे आप EVS कह लें, चाहे आप SST पढ़ कह लें, पर आपको पढ़ानी उसे एनवायरमेंट ही है, उसके आसपास की चीज़ें ही पढ़ानी है ताकि उसको समझ आ जाए। तो वहीं कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। वहीं अगर क्लास 1 और 2 की बात की जाए तो उनको क्या है, उनको मैथ्स और इंग्लिश, उनकी लैंग्वेज, उनसे रिलेट करके उनको पढ़ाना होता है। यानी कि उनको सन बता सकते हैं, मगर किसी पोएम में आए तो सन क्या है, EVS का अंदर आ गया। पर क्या है कि 1 और 2 क्लास में एक बच्चा लैंग्वेज या फिर उसका मैथ्स, इन दोनों से रिलेट करके उसको EVS पढ़ाया जाता है। पृष्ठ पोषण एक वर्ड था इंग्लिश में, इसका मीनिंग फीडबैक होता है, इसलिए मैंने इसको कंसर्न कर लिया, आप देख सकते हैं। फ्रीमैन ने इतिहास को अतीत की राजनीति कहा, यानी कि अगर क्वेश्चन आए कि अतीत की राजनीति किसने कहा है, अतीत को राजनीति किसने कहा है, तो फ्रीमैन ने कहा है।
आगे बात की जाए तो शिक्षण समूह रचना आंगल या फिर अंग्रेजी भाषा के शब्द स्ट्रेटेजी का हिंदी रूपांतर है। स्ट्रेटेजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा की स्ट्रेटेजिया से हुई है, जिसके आधार पर स्ट्रेटेजी को किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपनाए जाने वाली एक विशिष्ट कार्य पद्धति या फिर योजना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार व्यू रचना बड़ी सेना के कार्यों और उनकी क्रियाओं की योजना और निर्देशन देने की कला या विज्ञान है। ये आपका व्यू रचना पता कैसे आया? व्यू रचना का इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि टीचर को क्या करना है, व्यू रचना बनवानी है बच्चों की और फिर उनको पढ़ाना है, इनकी ग्रुप स्टडी करनी है। तो व्यू रचना का उसमें कॉन्सेप्ट है। तो व्यू रचना का एनसाइक्लोपीडिया में क्या अर्थ है, तो मैंने यहाँ ले लिया, बड़ी सेना के कार्यों में उनकी क्रियाओं की योजना और निर्देशन देने की कला या विज्ञान है। आगे बात कर जाए तो तूपड़ मेथड किसने दिया है, तो अपने सुकरात ने दिया है। मैंने इसका इंग्लिश ही लिखा है ताकि आपको याद हो जाए, तूपड़ मेथड सुकरात। व्याख्यान विधि या फिर कथन विधि अगर हम कहा जाए, या फिर कथन विधि भी कहते हैं। व्याख्यान विधि मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करती है कि पहली बात तो आपका ये पाठ्य विषय वस्तु का चयन, यानी कि सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपको चयन करना है कि आप किस चीज़ का व्याख्यान करेंगे या फिर किस चीज़ पर अपना लेक्चर मेथड देंगे। दूसरा, प्रस्तुतिकरण का ढंग, पूरा ढंग ऐसा नहीं होना चाहिए इसका व्याख्यान का कि आप सुनाते जा रहे हो बच्चों कथा के अनुसार और बच्चे सुनते जा रहे हो, उनको कुछ ना समझ आ रहा हो। इसमें कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि बच्चे उस लेक्चर में इंटरेस्ट दे, या तो उनको बीच में डिमॉन्स्ट्रेशन कर दें या फिर बीच में क्वेश्चन रेज कर दें, व्हाटएवर यू थिंक फिट। सामाजिक अध्ययन के लिए व्याख्यान विधि सबसे अधिक प्रचलित होती है, यानी कि अगर आप SST पढ़ा रहे हैं तो व्याख्यान विधि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बन जाती है। पर इसे आप स्टोरी टेलिंग मेथड के हिसाब से भी सुना सकते हैं, जिससे आप कुछ TLM यूज़ कर सकते हैं एंड एट्सेट्रा। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की बात की जाए तो सुकरात ने दी थी। बोला जाता है कि सुकरात इसके जनक है, पर माना जाता है कि गेस्टाल्टवादी इसके जनक है। गेस्टाल्टवादी के अंदर कौन कौन आ जाते हैं, इसके वार्डिनर, कोहलर, कोफ्का, ये सारे लोग आ जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के जनक के नाम पे। तो अगर आपको ऑप्शन में सुकरात दिख जाए तो आप सुकरात पे टिक लगा दीजिएगा, गेस्टाल्टवादी दिख जाए जो कि है वार्डिनर, कोहलर और कोफ्का, तो आप इनके नाम पे टिक लगा दीजिए। जो भी आपको प्रेफरेबल ऑप्शन मिल जाए उस पर आप टिक कर सकते हैं। समस्या समाधान विधि को आधुनिक वैज्ञानिक प्रदान करने के श्रेय जॉन डीवी और किलपैट्रिक को जाता है। तो NCERT द्वारा इस विधि को सन 1970 में मान्यता प्रदान की गई, यानी कि उससे पहले NCERT ने इसको मान्यता प्रदान नहीं की थी, 1970 में इसको प्रदान की गई। वहीं समस्या समाधान विधि का कॉन्सेप्ट आया तो किसने दिया, जॉन डीवी और किलपैट्रिक ने दिया। आगे बात करें तो सर्वप्रथम हैरी ए ओवर स्ट्रीट ने सन 1929 में सामूहिक वाद विवाद पर प्रयोग किया था। सामूहिक वाद विवाद को पैनल चर्चा भी कहते हैं। सामूहिक वाद विवाद आपका यानी कि ग्रुप डिस्कशन हो गया, तो ग्रुप डिस्कशन के अंदर पैनल आ गया आपका और सिंपोसिस आ गया, तो ये दो तीन तरीके के आपके डिस्कशन इसके अंदर आ जाते हैं। वहीं बात कीजिए कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो ओवर स्ट्रीट ने दिया है, यानी कि स्ट्रीट में डिस्कशन, कुछ ऐसा आप याद कर सकते हैं इसको। इकाई योजना या फिर यूनिट मेथड किसने दिया है, तो डॉक्टर मॉरिसन ने दिया है। तो उसके प्रवर्तक डॉक्टर मॉरिसन को माना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में इकाई शब्द देने का श्रेय हर्बर्ट स्पेंसर को जाता है। इकाई शब्द का सामान्य अर्थ ज्ञान या अनुभव को एक सूत्र में पिरोना है। सूत्र में पिरोना बेसिक मतलब क्या है कि आपने किसी भी एक बड़ी सी यूनिट को कुछ भागों में तोड़ दिया है ताकि आप क्या कर सके, ईजिली उसको बच्चों को समझा सके। अगर एक साथ उन्हें समझाने बैठेंगे तो क्या पता उन्हें कोई चीज़ ना समझ आए, इसलिए किसी चीज़ को ब्रेक करना, उनके चंक्स बना देना ताकि बच्चे उसको ईजिली दे पाए, जैसे कि पियाजे ने कहा था। तो इसके लिए यूनिट मेथड लाया गया है। दिया किसने था, तो डॉक्टर मॉरिसन ने। और वहीं इसका श्रेय किसको जाता है, तो हर्बर्ट स्पेंसर को। तो ये दो नाम याद रखने हैं, जो भी अपन को ऑप्शन है मिल जाएगा टिक कर देंगे। यूनिट मेथड ऑफ मॉरिसन, अ यूनिट इज एन आउटलाइन ऑफ केयरफुली सिलेक्टेड सब्जेक्ट मैटर विच हैज़ बीन आइसोलेटेड बिकॉज ऑफ इट्स रिलेशनशिप टू स्टूडेंट्स नीड्स एंड इंटरेस्ट। दस अ वेल प्लान टीचिंग यूनिट इज द कोऑर्डिनेटेड फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। यानी कि एक टीचर ने क्या किया है कि कुछ सोच समझ के किसी चीज़ को ब्रेक किया है, या तो उसकी एक्टिविटीज़ के अनुसार या फिर बच्चों की नीड्स और इंटरेस्ट के अनुसार। अब जिस भी तरीके से तोड़ा गया हो तो वो आपका यूनिट मेथड कहलाएगा। मॉरिसन द फॉर्मोस्ट एजुकेशनिस्ट हू प्रोपाउंडेड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग मेथड कॉन्सेंट्रेटेड ऑन एक्चुअल लैंग्वेज एंड द बिहेवियर ऑफ द लर्नर विच ही कॉल्ड एन अडॉप्शन। मॉरिसन होल्ड्स दैट जेन्युइन लर्निंग कंसिस्टेड ऑफ द स्टूडेंट अडॉप्टिंग और रिस्पॉन्डिंग टू अ सिचुएशन, रिजेक्टिंग द नोशन दैट लर्निंग रेफर्ड ओनली टू द एक्विजिशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। द यूनिट वॉज द प्रोसीजर यूज फॉर टीचिंग ऑफ एन अडॉप्शन बेस्ड ऑन एन स्टिमुलस रिस्पॉन्स साइकोलॉजी। अब उसने ये भी कहा है कि भाई जो भी अपना कॉन्सेप्ट टीचिंग करेंगे उसमें आपको स्टिमुलस रिस्पॉन्स करना है, यानी कि आपको बच्चों को उद्दीपक देना है ताकि वो कुछ रिस्पॉन्स कर सके, ताकि उनका अडॉप्शन ईजिली हो जाए।
मॉरिसन ने कैटेगराइज किया है इसे तीन फेजेस के अंदर, स्टिमुलस, एसिमिलेशन और रिएक्शन। यानी कि सबसे पहले आप बच्चों को स्टिमुलस देंगे, कोई भी उद्दीपक देंगे कि हाँ वो उस चीज़ को, वो चीज़ उन्हें टच कर जाए, वो चीज़ उनको अचानक से अट्रैक्ट कर जाए, ताकि कोई ना कोई उनका ऐसा उद्दीपक या फिर कोई ना कोई उनका ऐसा एक्शन जनरेट हो जिससे क्या हो कि अडॉप्शन हो सके। यानी कि मॉरिसन का मानना है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स इसके अंदर ज़रूरी है। किसके अंदर ज़रूरी है? यूनिट 1 के अंदर ज़रूरी है। तो मॉरिसन ने कुछ ये थ्री फेजेस दिए, यानी कि सबसे पहले आपको बच्चों को क्या देना है, स्टिमुलस देना है, उद्दीपक देना है, उसके बाद आपको बच्चे को असिमुलेशन कराना है, यानी कि उसको ऐसे बताना है कि वो अपने पुराने के अंदर ही उसको असिमुलेट कर सके, यानी कि पुरानी नॉलेज के अंदर ही अपनी नई नॉलेज को एड ऑन कर सके। उसके बाद आपको बच्चे का रिएक्शन देखना है कि अब स्टिमुलस के बाद और असिमुलेशन के बाद उसका क्या रिएक्शन आता है। तो आपके थ्री फेजेस भी दिए थे मॉरिसन ने, यूनिट मेथड ने। आगे इसने कुछ 5 स्टेप्स भी दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट क्या है कि एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन में क्या है कि टीचर क्या करेगा, डिस्कवर करेगा और देखेगा कि बच्चे के अंदर उस चीज़ के लिए पहले से कितनी नॉलेज है। कि टीचर एक्सप्लोर कर रहा है, टीचर एक्सप्लोर कर रहा है, किसको एक्सप्लोर कर रहा है, बच्चों के नीड और इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर रहा है, बच्चों की नॉलेज को एक्सप्लोर कर रहा है। द टीचर थ्रो क्वेश्चंस एंड टेस्ट और इन डिस्कशन डिस्कवर्स व्हाट प्रीवियस नॉलेज और एक्सपीरियंस द पीपल्स हैव अबाउट द यूनिट टू एलिमिनेट रिपीटेशंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑलरेडी लर्न एंड टू डिसाइड ऑन द एपरसेप्टिव बेसिस फॉर द न्यू यूनिट। यानी कि फिर वो बेसिस भी बनाएगा कि भाई अब जितनी नॉलेज उसको पता चल गई बच्चों के अंदर है, उसके बाद वो कितनी नॉलेज और इन्हेंस कर सकता है। आगे बात कीजिए तो प्रेजेंटेशन की बात है। आगे प्रेजेंटेशन में क्या है, द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द यूनिट आर प्रेजेंटेड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एम्फसाइज्ड। द एम इज़ टू गिव द पीपल अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द इंटायर यूनिट थ्रू प्रॉपर मोटिवेशन द पीपल इंटरेस्ट इज अराउज्ड एंड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आर एस्टैब्लिश्ड। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बन जाता है कि आप प्रेजेंट कैसे करेंगे अपने चैप्टर को। अगर आपने अपने टॉपिक को प्रेजेंट इंटरेस्टिंगली कर लिया या फिर अट्रैक्टिवली कर लिया, तो फिर ऑब्वियसली वो ग्रास्प हो जाएगा बच्चों को। आगे बढ़ाया है मॉरिसन ने इसको, अ प्रेजेंटेशन टेस्ट में भी गिवन स्पेशली इफ द यूनिट इज लॉन्ग। यानी कि प्रेजेंटेशन तब भी देनी जरूरी पड़ जाती है अगर यूनिट अपनी लॉन्ग है, यानी कि लंबी खींच रही है तो प्रेजेंटेशन जरूरी पड़ जाती है। दिस टेस्ट हैव शुड रिवील हाउ मच द पीपल्स हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। यानी कि प्रेजेंटेशन टेस्ट क्या है बेसिकली, कि अगर आपकी प्रेजेंटेशन लॉन्ग चलती जा रही है तो बीच में बच्चों से कुछ क्वेरी करते जाए या फिर उनका स्मॉल टेस्ट देते जाए, ताकि आपको पता चलता जाए कि बच्चे कितना ग्रास्प कर पा रहे, कितना सीख पा रहे हैं। इफ़ इट इज़ सक्सेसफुल द टीचर कैन देन गिव द वर्कशीट। अगर पॉसिबल है टीचर वर्कशीट दे सकती है। समटाइम्स इट विल बी नेसेसरी टू प्रेजेंट द लेसन अ न्यू इफ द प्रेजेंटेशन टाइम शोज दैट द पीपल्स डिड नॉट गेट द मटीरियल टेकन अप। और वहीं टीचर अपने प्रेजेंटेशन को कुछ न्यू भी कर सकती है अगर उसे लग रहा है कि बच्चों को इस तरीके से नहीं समझ आ रहा है। आगे बात कीजिए तो असिमुलेशन की। असिमुलेशन क्या है कि अपनी पुरानी चीज़ में कुछ नया ऐड ऑन करना। द चाइल्ड लर्न्स व्हाट हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय द टीचर, अब्सॉर्ब्स इट एंड मेक इट पार्ट ऑफ हिमसेल्फ। दिस पीरियड प्रेजेंट्स एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द टीचर टू चेक ऑन द स्टडी हैबिट ऑफ चिल्ड्रन। इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वैल्यूएबल हैबिट ऑफ स्टडी। यानी कि असिमुलेशन के अंदर अब क्या है कि टीचर क्या करेगी, जो उसने बच्चों को पढ़ाया बच्चा अब खुद अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रहा होगा, और टीचर को चेक करना है कि क्या जो उसने पढ़ाया वो बच्चों की हैबिट के अंदर आ रहा है। हैबिट के अंदर ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि टीचर को चीज़ दिखे, टीचर उस चीज़ को महसूस करने की कोशिश करे, उस चीज़ को पता लगाने की कोशिश करे, या तो क्वेश्चंस के थ्रू या फिर किसी एक्टिविटीज़ के थ्रू। यानी कि टीचर को पता लगे कि हाँ उसने जो सिखाया है, उसने जो पहले एक्सप्लोर किया, उसने जो फिर प्रेजेंट किया, क्या वो बच्चे ने असिमुलेट किया। एज द टीचर गोज अराउंड ही मे कमेंट गुड वर्क फॉर सजेस्ट दैट इट कुड बी इम्प्रूव्ड। यानी कि टीचर बता सकते हैं कि बच्चे ने अच्छा किया या फिर उसे और इम्प्रूव किया जा सकता है। टीचर रीचेज द इंडिविजुअल पीपल दस मीटिंग टू सम एक्सटेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब टीचर क्या है इंडिविजुअलिटी इंडिविजुअली भी कैप्चर कर सकता है अपनी प्रेजेंटेशन के टेस्ट के लिए या फिर असिमुलेशन के टेस्ट के लिए, और इससे क्या होगा उसे इंडिविजुअल डिफरेंस भी पता लग जाएगा। द असिमुलेशन पीरियड मे वारी डिपेंडिंग ऑन द लेंथ एंड डिफिकल्टी ऑफ द यूनिट अंडर स्टडी। An assimilation test may be given, which also served as a diagnostic test at the end. Assimilation test आप diagnostic test की तरह भी use कर सकते हैं end way. Next क्या है organization. In this step, cooperative outlining is usually worked out by the teacher and the pupils. This outline is placed on the board, criticized and adopted in a final forum. This is an opportunity for the teacher to train the pupils in outlining. Pupils can be led to discern relationship among the items of the outline. It is also a chance for the pupils to develop logical thinking. अब टीचर क्या करेगा कि cooperative outlining करेगा, यानी कि वो बोर्ड पे लिख देगा और फिर टीचर outline करके बच्चों से पूछेगा कि क्या उसके बारे में जानते हैं,
यानी कि उसका फाइनल बोर्ड डिसीजन हो सकता है ये, और इससे पीपल को भी चांस मिलेगा ताकि अपनी लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप कर सके। तो आफ्टर एक्सप्लोरेशन, आफ्टर प्रेजेंटेशन, आफ्टर असिमिलेशन, आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज़ अ फिफ्थ स्टेप, दैट इज रेसिटेशन। Now the class performs while the teacher and the other pupils listen. In the unit recitation, the pupil has mastery of what he is taking about and may give a report or lecture for a given time. This step should be livelest part, यानी कि सबसे छोटा part होना चाहिए और live होना चाहिए, यानी कि इसमें क्या करेगा teacher? अब class perform करेगी और teacher उसको सुनेगा, ठीक है। Pupil इसमें क्या करेगा? अपनी mastery करेगा और report देगा lecture के through. This step has for its purpose the presentation for the whole subject matter in different situation, or written recitation or achievement test covering the whole unit may be given. Affect the recitation steps of the unit mastery technique ensure mastery. यानी कि टीचर एक बच्चे को मौका दे सकता है कि वो रिसाइट कर सके या फिर दोहरा सके कि उसको क्या आया है। अब इसकी एडवांटेज क्या रही थी? सबसे पहली एडवांटेज तो ये रही थी कि उसने इसको बिग ब्लॉक्स में तोड़ दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, एंड कट्स अक्रॉस सब्जेक्ट बाउंड्रीज एंड देयरफॉर इट इज़ मोर ट्रू टू लाइफ। यानी कि अब बच्चों को छोटा लगने लगा था कॉन्सेप्ट, बच्चों को ईजी था उसको लर्न करने का। इट डज़ अवे विद द फ्रेगमेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर दैट रिजल्ट्स विद द यूज़ ऑफ अदर ट्रेडिशनल मेथड्स। यानी कि इसको क्या था, अब और भी तरीकों से इसको यूज़ किया जा सकता था। बिकॉज अ सब्जेक्ट मैटर इज़ इनकाउंटर्ड इन एवरी स्टेप ऑफ द यूनिट एंड बिकॉज इट इज़ प्रेजेंटेड एज अ यूनिफाइड होल, वॉट इज़ टॉट इज़ लर्न टू द पॉइंट ऑफ मास्टरी। यानी कि अगर एक बच्चे को छोटी छोटी आप चंक्स में ही नॉलेज देंगे तो अपनी मास्टरी भी उसमें क्या कर सकता है, वो गेन कर सकता है। द मॉरिसन टेक्निक कॉरिस्पॉन्ड्स टू द स्टेप्स इन द मास्टरी फॉर्मूला। सबसे पहला क्या है, प्री टेस्ट। प्री टेस्ट आपका यानी कि आप प्री टेस्ट कर ले बच्चों को कितना पहले से ही आता है, जो कि एक्सप्लोरेशन के अंदर आ गया। उसके बाद आपने क्या किया, प्रेजेंटेशन किया था, इसको हमने टीच कह सकते हैं। यानी कि प्रेजेंटेशन अब क्या करेगा, टीचर की बारी है कि वो उस चीज़ को कैसे प्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। क्योंकि पहले क्या है कि आपने नॉलेज को टेस्ट कर लिया, बच्चों की नॉलेज को कि उन्हें कितना आता है, तो आपको प्रेजेंट वो चीज़ करनी है और उस तरीके से करनी है कि न आने वाले को भी आ जाए और आने वाले को भी बुरा ना लगे या फिर बोर ना हो। तो प्रेजेंटेशन में टीच मेथड आ जाता है, इसलिए प्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट ही बनता है। असिमिलेशन या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट आपका रीटेस्ट आ जाता है, यानी कि अब आप टेस्ट कर रहे हैं कि बच्चे ने आपकी प्रेजेंटेशन को कितना सीरियसली लिया या फिर इसको क्या समझ आया। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड रेसिटेशन स्टेप, यानी कि अब आप बच्चे को देखेंगे कि वो कितना रिसाइट कर पा रहा है, कितना वो ऑर्गेनाइज कर चुका है अपने माइंड के अंदर आपके टॉपिक को। तो ये रीटीच के अंदर आ गया। और लास्ट में अचीवमेंट टेस्ट आफ्टर रिसाइटेशन, यानी कि आप अचीवमेंट टेस्ट ले सकते हैं बच्चे की अचीवमेंट को या फिर बच्चे के लर्निंग लेवल को देखने के लिए, जिसको टेस्ट कहेंगे। द मॉरिसनियन स्टेप्स आर नॉट लॉजिकल बट आल्सो साइकोलॉजिकली साउंड, यानी कि ये एक बच्चे की साइकोलॉजिकली साउंड टेस्ट भी है, जिसको कहा जा सकता है कि एक बच्चे के आत्मा को या फिर उसके बिहेवियर को शांत करने वाला कुछ है, कि बच्चा पूरी तरीके से निचोड़ के उस चीज़ को समझ जाएगा। वहीं अगर डिसएडवांटेज की बात की जाए तो नॉट ऑल टीचर्स आर कैपेबल ऑफ मेकिंग लॉन्ग रेंज यूनिट प्लान्स दैट कवर अ वीक और मोर। यानी कि ज़रूरी नहीं है एक टीचर इतने बड़े यूनिट प्लान को प्लान कर सके। अब लेसन प्लान छोटा होता है पर यूनिट प्लान तो लेसन प्लान से बड़ा होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर टीचर कैपेबल हो एक यूनिट प्लान बनाने के लिए जो कि वो एक हफ्ता खींच सके। टीचर्स में जस्ट गो थ्रू द मोशंस एंड लीव आउट द एसेंस। अब कई बार ऐसा होता है कि टीचर क्या है, सिर्फ मोशन में तो उसको ले गया, यानी कि स्पीडी ले गया उसको, पर बच्चों को उसका एसेंस वगैरह क्लियर नहीं हुआ। मेथड अलोन डज नॉट इंश्योर मास्टरी। मेथड पता होने से हम ये पता नहीं लगा सकते कि क्या हमें उस मेथड ने मास्टरी भी है। यानी कि आप बिल्कुल पता नहीं लगा सकते कि अगर आपने कोई चीज़ अप्लाई की है उसका रिजल्ट सही आए या ना आए, सिर्फ मेथड से हम ये बात पता नहीं लगा सकते, उसके लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी है। अ डेवलपमेंट रिव्यू टेक्निक क्या होगी? तो अ डेवलपमेंट लेसन इज ऑफन फॉलोड बाय अ रिव्यू लेसन। अ रिव्यू लेसन एम्स टू रीन्यू स्टडी ऑफ द सेम सब्जेक्ट मैटर और टू रिकॉल व्हाट हैज़ बीन टेकन अप इन द पास्ट एंड व्यू दिस अगेन फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि रिव्यू टेक्निक क्या है, एक बार दोबारा देखना कि भाई बच्चों को कुछ समझ आया है या नहीं आया है। अ रिव्यू मीन्स अ न्यू व्यू ऑफ ओल्ड फैक्ट्स। यानी कि रिव्यू का मतलब क्या होता है कि एक नया व्यू लेना किस पर, ओल्ड चीज़ पर, और किस तरीके से एक ब्रॉडर सेटिंग, यानी कि इस पर थोड़ा बड़ा व्यू से उसको देखना है, थोड़ा डिफाइंड तरीके से उसको देखना है। दैट शुड रिजल्ट इन न्यू मीनिंग्स, एसोसिएशन, एटीट्यूड्स एंड वेज ऑफ एक्टिंग। फाइक ने ऑस्पोन ने सन 1953 में अपनी बुक अप्लाइड इमेजिनेशन में मस्तिष्क उद्वेलन की व्याख्या की। किसने की भाई? फाइक ने, ऑस्पोन ने, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। अप्लाइड इमेजिनेशन इनकी बुक थी। आगे बात की जाए तो
आगमनात्मक अधिगम व्याख्यात्मक अधिगम का विरोधाभासी है, तो एडिसेट का संबंध शिक्षा से है जो एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है, ये अपन याद रखेंगे। महान शिक्षा शास्त्री प्रोफेसर फ्रोबेल ने, फ्रोबेल आपका प्लेवे मेथड से बिलोंग करते हैं, महान शिक्षा शास्त्री प्रोफेसर फ्रोबेल ने सर्वप्रथम शिक्षा को पूर्ण रूपेण खेल केंद्रित बनाने का पूर्ण प्रयत्न किया था, तो वहीं यूरोप के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हेनरी कालडवेल कुक को खेल विधि से शिक्षण कराने की विधि का जन्मदाता माना जाता है, यानी कि सबसे पहले इंट्रोड्यूस प्ले वे मेथड से फ्रोबेल ने किया, पर वहीं अगर हम बात करें कि इसको शिक्षण के रूप में कौन लेकर आया, तो कुक लेकर आए। स्टर्न के अनुसार खेल स्वेच्छा से आत्मसंयम की एक क्रिया है। 1935 से महात्मा गांधी द्वारा बेसिक एजुकेशन या फिर बुनियादी शिक्षा की जो संकल्पना दी गई थी, वह भी प्रोजेक्ट मेथड के निकट ही बैठती है, जिसके चार मूल है या फिर चार पद हैं। उद्देश्यों का निर्धारण, यानी कि सबसे पहले उद्देश्य क्या है, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो सेट किए जाए। फिर उसके बाद नियोजन और प्लानिंग की जाए, द सेकेंड स्टेप विल बी द प्लानिंग। नेक्स्ट वन इज़ द निष्पादन, यानी कि आप किस तरीके से उसको प्रेजेंट करेंगे। और लास्ट वन इज़ द मूल्यांकन, यानी कि आप उसका इवेल्यूएशन कैसे करेंगे। सर्वप्रथम हैरी ए ओवर स्ट्रीट आपका वो वाद विवाद वाला ही, ने सन 1929 में सामूहिक वाद विवाद पर प्रयोग किया। सामूहिक वाद विवाद को पैनल चर्चा भी कहते हैं। अब ये आपका सीसीई का पैटर्न है कि कैसे कैसे मार्क्स होते हैं इसमें, जैसे कि आपने देख सकते हैं यहाँ पे एफ ए फर्स्ट, एफ ए सेकेंड और आपका एस ए फर्स्ट, ये आपका अप्रैल से सितंबर रहेगा। बाकी बात की जाए तो एफ ए थर्ड, फोर्थ और एस ए टू, ये आपका अक्टूबर से मार्च रहेगा। अप्रैल से इसकी बात कीजिए तो 10, 10 और 30, 10, 10 और 30 ऐसा कुछ इसका रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, सीबीएसई ने अक्टूबर 2009 से कक्षा 9 के लिए और 2010 से कक्षा 10 के लिए सीसीई को लागू कर दिया है। सीबीएसई द्वारा मूल्यांकन सीसीई के अंतर्गत मूल्यांकन को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहले आपके अकादमिक विषय या फिर एकेडमिक्स, जो कि आपकी स्कॉलर के अंदर आ जाएगी। अगली सह शैक्षिक या फिर को स्कॉलर्स एक्टिविटीज़ आ जाएगी, जैसे कि जीवन कौशल, अभिवृत्ति और मूल्य। सह शैक्षणिक गतिविधियाँ, यानी कि आपकी को स्कॉलर एक्टिविटीज़ अगेन, जो कि आपकी कौन सी हो जाएगी, विचारोत्पादक क्रियाएं या फिर शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा, जो कि आपकी हेल्थ एजुकेशन हो गई या फिर ऐसी सारी चीज़ें हो गई जिसमें आप कुछ ज़्यादा सोच सकते हैं, होम साइंस वगैरह, ऐसी सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ग्रेडिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं थोड़ी। 91 से 100 को A1 के अंदर रखा गया, इनकी 10 बिंदु दिए जाएंगे। 81 से 90 को A2 के अंदर यानी कि 9, 71 से 80 को B1 के अंदर यानी कि 8, 61 से 70 को B2 के अंदर रखा गया है। और बात करें तो 51 से 60 C1, 41 से 50 C2 और 33 से 40 D, 21 से 32 E1 और 20 से उससे कम E2। मूल्य आंकना या फिर मूल्यांकन को अगर हम ब्रेक करें तो मूल्य आंकना इसका एक संधि बन जाएगा। मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है कि निर्णय देना। हम किसी चीज़ पे क्या करते हैं, अपना रिजल्ट देते हैं कि हाँ हमने इस चीज़ को इवेल्यूएट करा है, और आफ्टर द इवेल्यूएशन व्हाट विल बी आवर रिजल्ट फॉर इट इज़ द मूल्यांकन। मूल्यांकन का अर्थ मूल्य निर्धारण से है, अर्थात सीखने के अनुभवों से बालक में किस सीमा तक अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हुआ, इसका मूल्यांकन कर निर्णय देना मूल्यांकन है। यानी कि अगर इसकी पूरी इक्वेशन से लिखी जाए तो वो क्या बनेगी, मूल्यांकन इक्वल टू मापन, जिसमें संख्यात्मक प्लस अमापन यानी कि गुणात्मक चीज़ें, प्लस मूल्य निर्धारण यानी कि दोनों आप मात्रात्मक भी और गुणात्मक भी। यानी कि जब भी एक बच्चे का मूल्यांकन होगा तो उसके अंदर तीन चीज़ें ली जाएगी। सबसे पहले उसके अंदर मेजरमेंट लिया जाएगा, यानी कि बच्चा का क्या है, किस क्वांटिटी में उसके मार्क्स है या फिर जो भी है। उसके बाद उसके गुण वगैरह लिए जाएंगे, यानी कि उसके को स्कॉलर एक्टिविटीज़ या फिर उसका नेचर या फिर उसके एक्टिविटीज़ जो कि उसकी पढ़ाई से अलग हो। और लास्ट में क्या लिया जाएगा, उसके मूल्य, कि उसके वैल्यूज़, उसकी एथिक्स, उसके मोरल्स, उसके प्रिंसिपल्स, इन सारी चीज़ को कंसीडर किया जाएगा, जो कि हो सकता है कि क्वांटिटी में डिस्क्राइब की जा सके या फिर ना डिस्क्राइब की जा सके। तो मूल्यांकन करते समय इन तीन चीज़ों का मापन किया जाएगा। एक तो हो गया आपका मेजरमेंट, एक हो गया आपका कोर्स कोलर एक्टिविटीज़ और एक हो गई बच्चे की वैल्यूज़ और मोरल्स। उपलब्धि की जांच के लिए मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि अचीवमेंट फाइंड करने के लिए, एक स्टूडेंट की अचीवमेंट को टेस्ट करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन का निकटतम संबंध उद्देश्यों से होता है, आपके ऑब्जेक्टिव से होता है, यानी कि एक टीचर कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव साइन करेगा तभी वो उस चीज़ का इवेल्यूएशन कर सकेगा।
कक्षा में बच्चों का मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य बच्चों के तुलनात्मक प्रावीण्य की जानकारी शिक्षा को प्राप्त करवाना होता है। तो मूल्यांकन कार्ड किसी पाठ्य पुस्तक के स्तर को निर्धारित करता है, वह हंटर स्कोर कार्ड है। यानी कि मूल्यांकन कार्ड की बात करें तो उसे हंटर स्कोर कार्ड कहा जा सकता है। मूल्यांकन प्रक्रिया का त्रिकोणात्मक रूप डॉक्टर ब्लूम ने प्रदर्शित किया था। तो गणितीय प्रक्रम के प्रमुख अंक क्या थे, मानस दर्शन, कंठस्थ करना और आकलन। ये बात याद रखेंगे, 3 आपका किसने दिया, ब्लूम ने दिया। और बाकी प्रमुख अंक क्या थे गणित के हिसाब से, गणितीय प्रक्रम के हिसाब से, तो मानस दर्शन, कंठस्थ करना और आकलन करना। अब इसमें बात की गई है कि मूल्यांकन के आपके क्या होते हैं, 3 सोपान होते हैं आपके मूल्यांकन के, 3 सोपान होते हैं। पहला क्या है, उद्देश्य निर्धारण करना, इनकी क्या ऑब्जेक्टिव आपके सेट करने उसका। फिर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अध्ययन अध्यापन क्रियाओं का निर्धारण करना, इनकी टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस अपना अपनाना। उसके बाद आपका मूल्यांकन करना, जो भी आपकी विधियाँ या फिर प्रविधि आपके पास अवेलेबल है उनके थ्रू। NCERT की बुक थी भाई, उसका नाम था, मैंने अभी ले दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ इवेल्यूशन, ठीक है, ये उसकी बुक रही है। NCERT ने लिखी थी कॉन्सेप्ट ऑफ इवेल्यूशन। इसके अंदर कहा क्या गया है कि प्रोसेस ऑफ इवेल्यूशन बताए गए हैं कि कैसे हम इवेल्यूएट कर सकते हैं बच्चे को। तो आपकी NCERT की बुक है, NCERT कहाँ पढ़ता है, आपका न्यू दिल्ली के अंदर पढ़ता है। और कॉन्सेप्ट ऑफ इवेल्यूशन उसकी बुक है, जो कि क्या बताती है, प्रोसेस ऑफ इवेल्यूशन बताती है। ये आपका मूल्यांकन का एक चित्र दिया हुआ था किताब में, सो इट वॉज़ गुड, सो आई कंसिडर्ड इट। फर्स्ट इज मूल्यांकन में क्या क्या चीज़ें ली जाती है, तो उद्देश्य, अधिगम का अनुभव और विद्यार्थी की जांच होती है, लास्ट में इवेल्यूशन होता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भारतीय विद्यालयों के संग्रहालय म्यूजियम बनाने की सिफारिश की थी, कब की थी, 1952 के अंदर की थी। प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या संक्रिया चिन्हों और सिक्कों एवं घड़ियों की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है, यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को दृश्य प्रक्रमण के क्षेत्र की समस्या है। यानी कि अगर एक बच्चा कोई भी ऐसी विजिबिलिटी वाली चीज़ नहीं कर पा रहा है, ठीक है, जैसे कि संख्या को पहचान लेना है, फिर चिन्हों को पहचान लेना, सिक्कों को पहचान लेना, घड़ी की सुइयों को पहचान लेना, तो हम ये मानेंगे कि उसको दृश्य प्रक्रम में परेशानी है, यानी कि विजुअलिटी की प्रॉब्लम है। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करती है, यानी कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियों को यूज़ किया जा सकता है। आगे बात की जाए तो ग्राफ और ज्यामिति शिक्षण के में सर्वाधिक उपयोगी अंतरक्रियात्मक श्वेत पट्ट है, यानी कि ग्राफ वगैरह में हम एक स्मार्ट बोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। कक्षा 2 के विद्यार्थी को सरल आकृतियों, उसके लंबे किनारे और परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण जियो बोर्ड है। जियो बोर्ड ज्यामितीय आकृतियाँ और उनकी विशेषताओं का शिक्षण एक प्रभावी साधन है। तो जियो जेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से शिक्षार्थी खोज परक उपागम के द्वारा ज्यामिति की सभी अवधारणाओं को सीख सकते हैं। यानी कि आपका जियो जेब्रा किसके लिए काम आएगा, तो सॉफ्टवेयर सहायता में काम आएगा, खोज परक उपागम में काम आएगा। जियो बोर्ड की बात की जाए तो ज्यामिति आकृतियों के लिए यूज़ की जाएगी। आगे बात करते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए, कि ये प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत कर तरीके से प्रस्तुत करती हो और वास्तविक कहानी और घटनाओं को शामिल करती हो। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए, यानी कि उसकी नेटिव लैंग्वेज को फॉलो करना चाहिए। आगे बात करते हैं कुछ संचार व्यवस्था की, यानी कि कुछ इसमें आपके IT के टॉपिक्स ले रखे थे, तो मैंने कंसीडर कर लिया कि बुक कंप्लीट हो रही थी, तो अब जो जो उसके अंदर लिया हुआ है वो सब लेती गई मैं। तो संचार व्यवस्थाएँ थी, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन कुछ टेक्निक्स की, हाउ टू कम्युनिकेट, व्हाट आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेट और दीज आर द थिंग्स। सो सबसे पहले लेते हैं होस्ट की भूमिका के आधार पर। क्लाइंट था और उसमें सर्वर थे, वे होस्ट जो सेवाएँ प्रदान करते हैं। नेटवर्क से जुड़े सभी सदस्यों को होस्ट कहा जाता है, यानी कि अगर कोई भी किसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है तो वो होस्ट है। क्लाइंट क्या है, जो होस्ट को सेवाएं प्राप्त कर जो वे होस्ट जो सेवाएं प्राप्त करते हैं वो क्लाइंट है। और सर्वर क्या है या फिर सर्वर क्या है, वे होस्ट जो सेवाएं प्रदान करते हैं, यानी कि सर्वर आपका सेवाएं देने वाला, क्लाइंट आपका सेवाएं लेने वाला, होस्ट क्या है, जुड़ा रहने वाला। आगे बात करते हैं वायर के अनुसार, यानी कि तार युक्त कौन कौन से है, तो कोएक्सियल केबल आपकी क्या होती है, कॉपर तार के प्रयोग से बनाई जाती है। इसमें एनालॉग सिग्नल संप्रेक्षित किया जाता है, यानी कि एनालॉग सिग्नल आपका कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। एनालॉग आपके वो होते हैं जो नंबर्स की फॉर्म में शो हो सकते हैं,
एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, दीज आर द टर्म्स। सो एनालॉग आपके नंबर्स की तरीके से डिफाइन किए जा सकते हैं। ट्विस्टेड पेयर की बात कीजिए तो इसमें दो कॉपर तारों को लपेट कर यूज़ में लाया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो ये जो वायर होती है वो कांच या सिलिका से बनी होती है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। वायरलेस की बात की जाए तो तार रहित होती है, जैसे आपका रेडियो हो गया, ब्लूटूथ हो गया, मोबाइल हो गया, सैटेलाइट हो गया, माइक्रोवेव हो गया। यह क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है इसके में संचार के लिए, फिर कम्युनिकेशन के लिए। आगे बात करते हैं छोटी बरास की वायरलेस संचार पद्धति वाईमैक्स। वाईमैक्स की फुल फॉर्म देख लो सबसे पहले, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। शहर में ICT या फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उपकरण को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें मैन का निर्माण होता है या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। वाईफाई की बात की जाए तो वायरलेस फिडेलिटी इसकी फुल फॉर्म है। एक इमारत या संस्थान के ICT उपकरण को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से लैन का नेटवर्क होता है। ये आपके ऐसे होते हैं, सबसे छोटा होता है लैन क्योंकि वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, उसके ऊपर होता है मैन, वो मेट्रोपॉलिटन होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, उसके ऊपर होता है वैन, होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और उसके ऊपर होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। सो ये आपका कुछ इस तरीके से चलता है, लैन, मैन, वैन, क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं ब्लूटूथ की 10 मीटर तक की परास में उपस्थित ICT उपकरणों को जोड़ने के लिए ब्लूटूथ का उपयोग किया जाता है। इसमें पैन या फिर पर्सनल एरिया नेटवर्क का निर्माण होता है। NFC या फिर नियर फील्ड कम्युनिकेशन, इसका उपयोग मोबाइल से भुगतान करने के लिए तथा व्यावसायिक उपयोगों में वाणिज्यिक लेन देन के लिए उपयोगी होता है। परास के आधार पर नेटवर्क के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहला है पैन या फिर पर्सनल एरिया नेटवर्क। यह नेटवर्क अत्यधिक कम दूरी पर ICT उपकरणों को जोड़कर बनाया जाता है, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर। लैन की बात की जाए तो लोकल एरिया नेटवर्क है, किसी इमारत के ICT उपकरणों को जोड़कर बनाया जाता है। वैन की बात की जाए तो यह नेटवर्क किसी शहर के ICT उपकरण को जोड़कर बनाया जाता है। और अगर वैन की बात की जाए तो यह आपकी बाउंड्रीज वगैरह को कंसीडर नहीं करता, उनको पार करके, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को पार करके बनाया जाता है। यह राज्य स्तर, देश अथवा महाद्वीपों स्तर पर बनाया जाता है, जैसे राजस्थान में विभिन्न जिला मुख्यालयों को जोड़ने के लिए राजवैन या फिर राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क का निर्माण किया गया है। आगे बात करते हैं तो एक्सेस अनुमति के आधार पर नेटवर्क के प्रकार। सबसे पहले आपका इंटरनेट या नेटवर्क सभी के लिए खुला होता है, यह एक वैश्विक नेटवर्क है, इससे जुड़ने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। इंटरनेट की शुरुआत USA के रक्षा विभाग द्वारा की गई। इसके द्वारा ARPANET यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क का निर्माण किया गया। इंटरनेट पर संचार के लिए विभिन्न प्रकार के नियमों का प्रयोग किया जाता है, इन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट आपका क्या होता है, इंट्रानेट आपका एक बंद नेटवर्क है, वहीं एक्स्ट्रानेट आपका एक खुला नेटवर्क है। इससे जुड़ने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है, पर एक्स्ट्रानेट से शेष भाग बंद होता है, बाकी कुछ भाग खुला होता है, तो खुले भाग में आपको कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि बस याद रखेंगे, इंट्रानेट आपका क्या होता है, बंद होता है, यानी कि इन नहीं हो सकता, और आप आउटसाइड जा सकते हैं, एक्स्ट्रा जा सकते हैं, तो एक्स आपका खुला होता है। क्षमता के आधार पर नेटवर्क यानी कि बेस बैंड, वॉइस बैंड और ब्रॉडबैंड। बेस बैंड की बात की जाए तो इसमें एक बार में एक ही सिग्नल भेजा जा सकता है। वॉइस बैंड की बात की जाए तो सिर्फ वॉइस सिग्नल भेजे जा सकते हैं। और ब्रॉडबैंड की बात की जाए तो इसमें वीडियो, वॉइस, पिक्चर और आपका फाइल, ये सारे भेजे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं मोबाइल फ़ोन की। सबसे पहले मोटोरोला कंपनी ने बनाया था, ये आपको पता ही होगा, डॉक्टर कपूर, मार्टिन कपूर के नाम से एक व्यक्ति थे, उन्होंने बनाया था। मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है। फर्स्ट आइडिया कब आया था, तो 1947 में अमेरिका के अंदर आया था ये आइडिया। पहली बार ब्लैक और वाइट आपका फ़ोन बना था। उसके बाद पहला मोबाइल किसने बनाया था, डॉक्टर मार्टिन कपूर ने बनाया था, मोटोरोला कंपनी से बिलोंग करते थे। इन इंडिया इट स्टार्टेड इन 1995 इन कोलकाता इन मॉडी टेलस्ट्रा नेटवर्क। फिर फर्स्ट कॉल मेड फ्रॉम कोलकाता से दिल्ली, यानी कि आपका अगर इंडिया की बात कीजिए तो 1955 में पहली बार स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, कोलकाता से, और कॉल भी सबसे पहले कोलकाता से दिल्ली ही की गई थी, और मोदी टेलस्ट्रा नेटवर्क इसको कहा गया था। भाई ये बात आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं एंड्रॉयड की। सो एंड्रॉयड इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित पहला स्मार्टफोन गूगल कंपनी द्वारा 23 सितंबर 2008 को लॉन्च किया गया, यानी कि एंड्रॉयड
अगर हम बात करें तो 2008 में सबसे पहले आपका लॉन्च हुआ। इसका विकास एंडी रूबिन ने किया। यह कर्नल पर आधारित होता है। एंडी रूबिन याद रखना है और 2008 याद रखना है, गूगल याद रखना है, ठीक है। एंड्रॉयड का इस्तेमाल, मतलब सबसे पहले इसका मॉडल किसने निकाला, तो 2008 में गूगल ने निकाला, बस एंडी रूबिन ने किया। आगे बात करते हैं iOS की या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसका विकास एप्पल कंपनी द्वारा 2007 के अंदर किया गया। यह सिस्टम एप्पल कंपनी के आईफोन सीरीज़ के स्मार्टफोन्स में प्रयुक्त होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है ये, एप्पल ने इसको बनाया था 2007 में, पहली बार यूज़ किया गया था। एप्पल के फ़ोन के अंदर ये सिस्टम डाला जाता है। आगे बात कीजिए विंडोज़ फ़ोन की, तो यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा सन 2010 में विकसित किया गया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ब्लैकबेरी क्या है, यह रिसर्च इन मोशन है कंपनी द्वारा नवंबर 2015 में विकसित किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ब्लैकबेरी फ़ोन से प्रयुक्त होता है। यानी कि रिम की बात की कर रहे हैं। रिम क्या है, आपका रिसर्च इन मोशन है, कौन से फ़ोन्स में यूज़ होता है, तो सिर्फ ब्लैकबेरी फ़ोन्स के अंदर यूज़ होता है। विंडो आईफोन की बात की हमने, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था 2010 के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं तराई की। तराई क्या है, तराई आपका घर बनने के बाद पानी डालना नहीं है। तराई है आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कब बना था, 1997 के अंदर बना था। इनमें अध्यक्ष और दो सदस्य पूर्व पूर्णकालिक तथा दो सदस्य अल्पकालिक होते हैं। यानी कि दो तो आपके क्या होते हैं, पूरे रेगुलर बेसिस पे होते हैं, और दो आपके डमी बेसिस पे या फिर प्रॉक्सी बेसिस पे कह सकते हैं आप इसे। यानी कि अल्पकालिक होते हैं कि डोमेन बेसिस पे है, बस अपना कभी कभी काम के लिए आ जाते हैं और नहीं, ऐसा कुछ। इनका कार्यालय 3 वर्ष का तथा इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ये बात मेन याद रखने की है कि केंद्र सरकार इनकी नियुक्ति करती है और 3 वर्ष के लिए की जाती है। तराई की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट बनती है, उसका ईयर इंपॉर्टेंट बनता है 1997 और टेलीकॉम रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे बात करें तो ई रिसोर्सेज की बात करते हैं। ई रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें जो कि आपको क्या करती है, इंटरनेट यूज़ करने में हेल्प करती है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की सहायता से ज्ञान संकलन के साधनों को ई रिसोर्सेज कहा जाता है, जैसे ई पुस्तक हो गई, ई पत्रिकाएं हो गई, ई समाचार पत्र हो गए आदि। ई रिसोर्सेज के साधन क्या है, वेबसाइट्स है, ब्लॉग है, सोशल मीडिया साइट्स है, ईमेल है, ई जर्नल्स है, ई लाइब्रेरी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ई पत्रिका है या फिर इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका है। सारे ई का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक है। यानी कि ऐसा कुछ भी जो आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोवाइड हो रहा है, वो आपके ई रिसोर्स है, जो कि आपको हेल्प कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली वर्क करने के लिए। यहाँ पे मैंने कुछ फुल फॉर्म्स कंसीडर की हुई है, इस बुक में भी की हुई थी, तो इसलिए मैंने उनको यहाँ पे कंसीडर किया है। आप ये सारी देख सकते हैं। फर्स्ट आपकी बनती है TCP, जो कि है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। हर एक कंप्यूटर का अपना अलग प्रोटोकॉल होता है, कोई भी दो कंप्यूटर एक जैसा इंटरनेट प्रोटोकॉल शेयर नहीं करते हैं। OSI की बात की जाए तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। DNS की बात की जाए तो डोमेन नेम सिस्टम। ISDN की बात की जाए तो ये क्या है आपका, इंटीग्रेटर सर्विस डिजिटल नेटवर्क। TCP क्या है आपका, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP आपका क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। OSI आपका क्या है, OSI है आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट, एंड DNS इज डोमेन नेम सिस्टम। ISDN इज इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें DNS की, कि क्या होता है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, तो ये क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप एक दूसरे शहर में बात करते हैं, तो आप क्या करते हैं, STD आकृति पर जब आप नंबर लगाते हैं तो उससे पहले कुछ कोड डायल करना होता है आपको, जैसे कि 91 होता है दिल्ली के लिए, ठीक है, मतलब इंडिया के लिए, अपना ऐसी कहीं कहीं के लिए कोई कोई कोड होता है। तो वो STD में जो आप कोड लगाते हैं ना, दिल्ली का कोड जैसे कि 91 लगाते हैं, ऐसी कहीं कहीं के कोई कोई कोड होते हैं, ऐसे क्या होते हैं, कंप्यूटर का भी एक कोड होता है, जिसको आपका DNS कहा जाता है। यानी कि इंटरनेट से जुड़ा हर एक संगणक का एक खास एड्रेस होता है, जिसे DNS कहा जाता है, फिर DNS एड्रेस कहा जाता है, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम एड्रेस कहा जाता है। उस पते की प्रणाली को DNS प्रणाली कहते हैं, और इसका पूरा नाम तो आपको पता ही है, डोमेन नेम सिस्टम। आगे अगर हम बात करें तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि हर एक कंप्यूटर का अपना IP एड्रेस अलग होता है। और अगर बात की जाए तो इंटरनेट में जो आपका TCP या फिर IP प्रोटोकॉल इंजन होता है, इसको काम में लिया जाता है इंटरनेट में, TCP को और IP को, ठीक है। और 5 OSI या फिर 5 आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट, ये जो मैंने ले रखा है 3rd नंबर पे, इस नेटवर्क की परतों को काम में लिया जाता है। यानी कि आपका इंटरनेट में किस किस चीज़ों को काम लिया जाता है, तो TCP और IP और एक 5 OSI को यूज़ में लिया जाता है। और अगर बात की जाए
किसी की इनमें से। तो बस इनमें जैसे कि आपका ये TCP और ये IP है ना, इसके अंदर एप्लीकेशंस होती है, इनकी कुछ एप्लीकेशन के ग्रुप होते हैं, जैसे कि मेल हो गया, फाइल ट्रांसफ़र हो गया, टर्मिनल एम्यूलेशन हो गया, बस ये सारी चीज़ें आती है, और तो इतना कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आगे करते हैं, टेलनेट की बात करते हैं। टेलनेट क्या है आपका? तो सबसे पहले तो टेलनेट का पूरा नाम क्या है, तो ये क्या है, नेटवर्किंग ओवर द टेलीफोन। इसमें लोकल एरिया नेटवर्क को यूज़ किया जाता है, यानी कि आपका छोटे बेसिस पे ही काम करता है। ये एक इंटरनेट टूल होता है आपका, जिससे साइबर स्पेस को कनेक्ट किया जाता है। मतलब यू कैन डू बिजनेस इन एनी कंट्री विद अ सिंगल कंप्यूटर। आप यहाँ बैठकर भी, मतलब कहीं किसी भी कंप्यूटर बैठकर आप एक सिंगल कंप्यूटर से पूरी दुनिया में कहीं भी काम कर सकते हैं। तो ये आपका टेलनेट का यूज़ होता है, तभी इसका नाम भी है कि नेटवर्किंग ओवर द टेलीफोन, यानी कि आप टेलीफोन से ज़्यादा इसका यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, आपका ना इस पूरे में यही था, यानी कि आपकी इस पूरे में ये बुक आपकी जो मैंने आपको बताई सिखवाल की बुक, इसमें पूरे में यही था। अब ना इसमें इसके बाद थोड़ी सी और चीज़ें थी, जैसे कि दो चैप्टर्स और थे, वो मैंने ना इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया, पर वो इंक्लूड ना करने का कुछ और भी रीज़न बनता है। ठीक है, क्या रीज़न बनता है बताती हूँ मैं आपको। एक तो देखो, पहला रीज़न क्या बनता है ना कि वो जो थे वो बेसिक चैप्टर्स पे थे। बेसिक चैप्टर्स आपका बोला जाए ना, जैसे कि आंकड़े, मतलब मैनेजमेंट, या फिर कलेक्शन ऑफ डाटा, कि आप किसी भी डाटा का कलेक्ट कैसे करते हैं। तो किसी भी डाटा को आप कलेक्ट कैसे करते हैं, किसी भी डाटा को कलेक्ट करने के लिए, मतलब डाटा पहली बात तो होता ही क्या है, आंकड़े होते हैं, यानी कि ऐसा कुछ जिनको आप क्वांटिटेटिवली शो कर सके वो आपके डाटा कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत वैसे ही बताती हूँ, आप सुन लीजिएगा, आपका मन करे तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर वीडियो आप एक दो बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ईजी टॉपिक से मैंने लिए नहीं। तो 14 चैप्टर ना आपका कलेक्शन ऑफ डाटा है, फिर मैनेजमेंट ऑफ डाटा था। सबसे पहले डाटा क्या होता है, कुछ आंकड़े होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं जो कि आपके पास क्वांटिटिव फॉर्म में होते हैं। उसके अगला क्या था कि कलेक्शन ऑफ डाटा, आप डाटा को कलेक्ट कैसे करते हैं। तो दो तरीके से हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, सबसे पहला है आपका प्राइमरी डाटा और दूसरा सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो है जो कि आप प्राइमरी हैंड से कलेक्ट करते हैं, यानी कि आप फेस टू फेस या फिर फर्स्ट हैंड उस डाटा को कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी डाटा की बात की जाए तो वो ऐसा डाटा है जो कि आपने सेकेंडरी सोर्सेज से कलेक्ट किया है, या तो आपने गवर्नमेंट साइट से उसको कलेक्ट किया है, या फिर आपने किसी न्यूज़ एजेंसी से उसको कलेक्ट किया है, या फिर आपने किसी और से कलेक्ट करवा के किसी और ने उसको कलेक्ट किया हुआ था और फिर आपने उससे उसे खरीदा है। यानी कि अगर आपने सेकेंडरी सोर्सेज को यूज़ किया है तो वो आपका सेकेंडरी डाटा है। जैसे कि क्या होता था ना, वो पीयर के वो भरने को मिलते थे हम लोगों को, जब जो भी ये करता है डाइट वगैरह की प्रैक्टिस, उसको पीयर्स के फॉर्म भरने होते थे या फिर नेबरहुड के फॉर्म्स भरने होते थे, तो वो क्या करता था, सेकेंडरी सोर्सेज का यूज़ करता था कि भाई किसी और के ले लिया और उसको कॉपी कर दिया, या फिर किसी के भी असाइनमेंट्स को अगर हम कॉपी करते तो सेकेंडरी डाटा हो जाता है। प्राइमरी डाटा क्या होता है कि जब आपने खुद उस चीज़ में जाँच पड़ताल की और आपने खुद उसको कलेक्ट किया है। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गया होगा प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या होता है। आगे अगर इसमें बात की जाए तो और क्या था इसमें कि मैनेजमेंट ऑफ डाटा, यानी कि आप किसी भी डाटा को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आप उसके सबसे पहले अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लोर करें, उसके बाद उसको प्लानिंग करें, ऑर्गेनाइजिंग करें, और फिर उसको स्टाफिंग करें, शिफ्ट और कलेक्टिंग करें, मैनेजमेंट करें, एंड देन लास्ट उसका इवेल्यूशन कर दे या फिर उसको कंट्रोलिंग कर दे। सो इस तरीके से आप किसी भी डाटा को मैनेज कर सकते हैं। यानी कि आपको क्या करना है कि एक डाटा को सबसे पहले तो कलेक्ट ही करना है, कलेक्ट करने के बाद उसको आपको एक ऐसी जगह पे इकट्ठा करना है और फिर से ऐसे असेंबल करना है कि एक तो प्रेजेंटेशन भी हो उसकी सही से, दूसरा वो ना रीडेबल भी हो, अंडरस्टैंडेबल भी हो, यानी कि बाद अगर सेकंड पार्टी उसको कोई पढ़ती है तो उसको पढ़ सके। ऐसे आपको उसको मैनेज करना है कि बहुत साल तक आप भी उसको चला सके। तो ये था इसके अंदर। और फिर था प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा थी कि आप डाटा को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले था इसके अंदर तीन तरीके से प्रेजेंट करने का डाटा की बात कही गई थी। सबसे पहला था आपका टेबुलेशन प्रेजेंटेशन, यानी कि आप टेबुलो फॉर्म में अपने डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा क्या था आपका चित्रों द्वारा प्रेजेंटेशन या फिर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, यानी कि आप फ्लो चार्ट्स के द्वारा या फिर पाई चार्ट या फिर आपका और ग्राफ्स वगैरह इनके थ्रू आप शो कर सकते हैं। डंडा लेख या फिर ऐसा कुछ बोलते हैं ना, ऐसे इनमें शो कर सकते हैं, यानी कि आपके सर्कल्स में शो कर सकते हैं, चार्ट्स में शो कर सकते हैं, पाई डायग्राम्स में शो कर सकते हैं, और जाइव वगैरह में शो कर सकते हैं, और रेखा चित्र ये सारे, ठीक है, इन सब में शो कर सकते हैं। लास्ट आपका था ग्राफ द्वारा प्रदर्शन, यानी कि दंड चार्ट, आयत चित्र और बारंबारता और बहुभुज हो गया, वृत्त चार्ट हो गया, तोरण हो गया, इन सब में यूज़ कर सकते हैं।
तो ये तीन तरीके थे, टेबुलेशन रिप्रेजेंटेशन यानी कि टेबल फॉर्म में, डायग्रामेटिक यानी कि आपके फ्लो चार्ट्स हो गए या फिर पाई चार्ट्स हो गए इनमें, और लास्ट वन इज़ ग्राफिक जो कि आपका सारे बार ग्राफ्स वगैरह इसके अंदर आ जाएंगे, ग्राफ प्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो ये था इसके अंदर बस, और तो इतना कुछ था नहीं। तो इस तरीके से अपना ये वीडियो एंड होता है। मैंने आपको ये पूरी बुक कंप्लीट करा दी है। अगर आपको इसके पहले के पार्ट्स देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी ये वीडियो आसानी से। पूरी बुक में 15 चैप्टर थे, हमने 15 के 15 चैप्टर ख़त्म करे हैं और ये पूरी बुक कंप्लीट कर ली है। सो आप इससे अपने नोट्स बना सकते हैं EVS के। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन और द शेयर बटन, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे, and take care of yourself. Bye-bye.